क्या लगता है केजरीवाल या मोदी किसका फैक्टर काम कर रहा है? फैक्टर काम कर रहा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। केजरीवाल जी ने दिया, उनको अंदर डाल दिया गया, ये बहुत ही शोचनीय बात है। मंगलसूत्र वाला मुद्दा काम नहीं कर रहा क्या? मंगलसूत्र वाला क्या, अब ये मंगलसूत्र जो है आज तक इतने साल हो गए, अंग्रेज भी चले गए और मुगल भी चले गए, मोदी जी आज चार दिन से आकर के मंगलसूत्र धर्म और शिक्षा की बात नहीं करते कभी। टट्टी धोके तो आए ना, खुद जो है अपनी वाइफ को छोड़ करके बैठे, ये कौन सा तरीका है? खुद ऐसे बात मत करो। नहीं ऐसे क्यों नहीं बात करें, वो धर्म की बात करते हैं, उन बातों को नहीं करते। 5 किलो चावल में वो देश को बेचने की बात कर रहे हैं एकदम कि देश को खरीद लेंगे, धर्म की बात करके लड़ा रहे हैं। अगर वो चाहें तो शिक्षा को प्रोत्साहित करें, शिक्षा सस्ती करें, क्यों नहीं कर रहे? शिक्षा पे टैक्स क्यों लगाया? आटा दाल चावल पे टैक्स क्यों लगाया बताइए आप? आपको क्या लगता है किसका फैक्टर काम कर रहे हैं, मोदी या केजरीवाल? भाई साहब हमें तो कमा के खाना है, तुम्हें पता है फैक्टर तो वैसे हिंदू मुसलमान में तो मोदी का ही काम कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है किसकी हवा है, मोदी या केजरीवाल पूर्वी दिल्ली में? मोदी जी बढ़िया है। अच्छा, किस मुद्दे पे सपोर्ट करते हो? हैं, हमारा राम मंदिर बनाया, सारी धारा तुड़वा दी, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं तुड़वा दी। हाँ, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, फिर भी कहते हैं गलते गलते, कैसे गलते, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और क्या चाहिए, जान लोगे मोदी जी की? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के क्या क्या फायदे होंगे? हिंदू राष्ट्र आराम अपने सर उठा के जी सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो अभी सर उठा के नहीं जी रहे क्या? अभी सर उठा के जी रहे, मगर मोदी जी कुछ गलती नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। अच्छा, बाकी हो रहे हो तो मोदी सरकार में क्या बदल गया आपके? बहुत चीज बदल गई, सनातन है, हम तो सनातन है। जब ये देश आजाद हुआ था, जब हिंदू धर्म वाले कहाँ गए थे, ये बीजेपी वाले ये बताओगे मुझे? आज जो है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चरण सिंह है। तो आप भी तो हिंदू हो। हिंदू हूँ उसका मतलब नहीं है कि मैं हिंदू मुसलमान। जब अब्दुल कलाम आजाद ने मिसाइल मैन बन गए थे, जब तो किसी ने नहीं कहा हिंदू मुसलमान का देश है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने सम्मानित भी किया उनको। ये कौन सा मुद्दा है? शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करो ना, लोगों के बेरोजगारी पे काम करो। हिंदू राष्ट्र क्यों रहे हो? क्या पब्लिक रोटी मांग रही है, रोजगार मांग रही है, या हिंदू राष्ट्र मांग रही है? ये कह रहे पब्लिक रोजगार मांग रही है कि हिंदू राष्ट्र मांग रही है? हिंदू राष्ट्र मांग रही है। अच्छा, हाँ जी भैया, एक बात तो बताओ, जिस टाइम देश आजाद हुआ था, जो लड़े थे उनका तो कुछ नहीं हुआ, नेता बनते रहे दूसरे। जिस टाइम ये देश आजाद हुआ, उसमें भी हिंदू था, मुस्लिम था, ईसाई था। जो भी राज्य करेगा वो अपना बनाएगा, हमारा नहीं बनाएगा, अपना अपना बनाएगा। कहीं मंदिर निकलेगा तो कहीं मस्जिद निकलेगी, कहीं गुरुद्वारा निकलेगा। जो नीचे दफन होता जा रहा है, खोदोगे तो निकलेगा निकलेगा, कहीं सोना निकलेगा। वो भी आज तक कहा है इन्होंने कि हाँ जी इतना सोना निकला है यहाँ पे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। केजरीवाल ने जो काम किए, बिजली पानी, क्या चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र चाहिए, बताओ इनको हिंदू राष्ट्र सीखो। हिंदुओं के हिंदुओं का हिंदुस्तान में गर्व करना सीखो। मतलब हिंदुओं के क्या सीखे? हिंदुस्तान में गर्व करना सीखो ना, हिंदू होने पे, सनातनी होने पे। तो गर्व तो पहले से है सबको, किसी को हिंदू होने पे गर्व है, किसी को मुस्लिम होने पे गर्व है, धर्म पे गर्व अलग बात है। सबको अपने धर्म पे नहीं मांगना चाहिए कभी भी, धर्म के नाम से वोट नहीं मांगना चाहिए। जब घर भी खाली होगा ना, गौरव क्या करेगा इसमें? हिंदू होने का गौरव क्या करेगा इसमें? जब घर भी खाली होगा तो पेट खाली होगा तो मतलब पेट खाली होगा तो क्या गर्व होगा? जब पेट भरा होगा तो सब कुछ गर्व होगा, हिंदू भी गर्व होगा, मुस्लिम भी गर्व होगा, सिख भी गर्व होगा। जब पेट ही खाली रहोगा तो किस बात का गर्व? धर्म से थोड़ी पेट भरता है जी, धर्म से थोड़ी पेट भरता है, धर्म से तो पेट नहीं भरता, मेहनत करोगे पेट भरे। राम राम। कई लोग तो कहते हैं कि 500 रुपए पेट्रोल भी चलेगा। हाँ बताओ, कौन बोल रहा 500 रुपए पेट्रोल चलेगा? कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें पब्लिक ओपिनियन के दौरान, जो कहते हैं कि 500 रुपए पेट्रोल भी चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए बस। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जब जब इस देश में, तो हिंदू राष्ट्र ना जहाँ रहते हो तो वो तो इंडिया है, इंडिया मतलब हिंदू तो रहता है, इंडिया ही है, पाकिस्तान तो नहीं है ना, इंडिया में रहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने में क्या हो गया? सब रह सकते हैं इसमें, हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सब रहेगा, सब भाई भाई बन के रहेंगे। मोदी तो राम के नाम से वोट मांग रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। ये सब भाई बन के रहेंगे, पेट खाली रहेगा तो हिंदू मुस्लिम मैं खाऊंगा, तो बाकी के मजहब के लोग कहाँ जाएंगे?
यहाँ चार मजहब के लोग रहते हैं, सिर्फ मोदी रहेगा और बाकी कोई लोग नहीं रहेंगे। मोदी रंडवों की सरकार, रंडवों की सरकार, ये रंडवों की सरकार है जो की मोदी जी शादीशुदा है। मोदी शादी नहीं, जब हमारी तो रंडवाई है। मंगलसूत्र मांग रहा है, मंगलसूत्र गरीबों के मंगलसूत्र मांग रहा है, मंगलसूत्र मांग रहा है मोदी। अरे मेरी सरकार नहीं आई तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, ऐसे कैसे हो ही नहीं सकता। 70 साल में नहीं हुआ आज तक, ऐसा नहीं हुआ। बताओ आप सामान लेने आपका सूरज, सूरज सूरज आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम तेजपाल। अच्छा, तेजपाल भी हिंदू है, सूरज भी हिंदू है, और आपका क्या नाम भाई साहब? प्रताप सिंह। क्या नाम? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह आप भी हिंदू हैं। हाँ, तो ये टीम जो है जिन्होंने बात की कि लोकतंत्र की बात करनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए रोजगार होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, सारे हिंदू यही बात कर रहे हैं। नाम इसलिए पूछा था कि कई लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। जी, आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर काम करे, केजरीवाल या मोदी? केजरीवाल। केजरीवाल किस मुद्दे पे सपोर्ट करते हैं? हर मुद्दे पे, गरीबों का साथ देने के उस मुद्दे पे केजरीवाल है। आज तक किसी ने काम नहीं किया ऐसा, तो गरीब सेफ है। अगर मोदी सरकार आ गई तो गरीब साफ है, बिल्कुल साफ। मोदी जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ। नहीं, वो घंटा बजाने कौन जाएगा मंदिर में, राम मंदिर में? यहाँ तो घंटी बत्ती है, वहाँ घंटा बजेगा। दुनिया को पागल बना रखा है आजकल। एमएलए तक नहीं बने, मोदी प्रधानमंत्री बन गया। मोदी से ज्यादा गरीब है यहाँ पे। सर्दियों में प्रदूषण लग जाता है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? जो फौजी मरे कांग्रेस के राज में मरा, कोई फौजी मरे, जो मोदी के राज में कोई वो मर रहा है, कोई बाबा आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, कर रहे भाई सब चीजों में। मोदी झांकने नहीं आया, कहाँ झांकने नहीं आया? यहाँ कल्याणपुरी में। हाँ, केजरीवाल तो फिर भी झांकने आया था। केजरीवाल तो आता जाता रहता है, मोदी आज तक नहीं आया। उनके कोई कार्यकर्ता नहीं आए झांकने यहाँ पे। क्या लगता है भाई साहब, केजरीवाल या मोदी किसकी हवा काम कर रही है? हवा तो केजरीवाल जी की चल रही है जी। अच्छा, हाँ जी। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार है, 400 पार है, वो भिगमंगा 400 पार करवाएगा, उसके बस की है। उसने करा क्या है? इतने अत्याचार हो रहे हैं, कुछ करा उसने? है जी। हाँ। इतने अत्याचार हो रहे हैं, कुछ करा मोदी ने? मोदी ने कभी 400 पार तो देखो, वो 800 पार भी कह सकता है। जनता कह रही, जनता की कोई सुनवाई नहीं है, तो भाई साहब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये तो तानाशाही शासन वाली बात होगी, और तानाशाही चल रहा चलता रहेगा, और कुछ नहीं। तो जब आम आदमी पार्टी का बंदे को बंद कर रखा है, जबकि कोई कानून को उसमें कोई सबूत नहीं है, और जिसपे सबूत है उसको बाहर घूम रहे हैं, तो भाई साहब ये तो अब तानाशाही है, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम किया है, कर रहा है और करता रहेगा। इसने ना कुछ किया, ना करेगा, ना करने देगा। और देखो, हम तो फिर भी भाई साहब हम कांग्रेसी है, हम कोई आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं, कांग्रेसी है, पर फिर भी जो काम अच्छा कर रहा है उसके बारे में बोलेंगे। केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहा है उन्होंने लोगों के लिए, सुविधा भी स्कूल में वगैरह। हमें क्या चाहिए? स्कूल अच्छा चाहिए, एजुकेशन अच्छी चाहिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। हमारा तो हो गया, वो एजुकेशन अच्छी मिल रही है उन बच्चों को। ये ट्रैफिक है, जो भी कुछ भी है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, वो तो 800 पार कर देंगे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में। ठीक कह रहा हूँ? तो आपने पूर्वी दिल्ली लोकसभा से जनता का रुझान सुना, जो साफ इशारा करता है कि महंगाई बेरोजगारी भी चुनाव में बड़ा मुद्दा है, हालांकि धर्म भी एक बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। आप लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तमाम क्षेत्र से आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाते रहेंगे। आप देखते रहे पब्लिक मीटर। नमस्कार।